বয়কট ট্রেনে আরম্ভ হইছে সমগ্র দেশ জুড়ে শাহরুখ খানের সিনেমা পাঠান যদি এখন শাহরুখ খান কোন শাহরুখ খান কোন आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनकार कर दिया शाहरुख खान को पहचानने से और कह दिया हु इज शाहरुख खान। नमस्कार, मेरा नाम है निशा सिंह और ये द कंटा बॉलीवुड के बादशाह भारत का गौरव, एक ऐसा सुपरस्टार जिसने पूरी दुनिया में अपनी कला का परचम लहराया है। आज उन्हें हर कोई जानता है लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री उन्हें जानने से इनकार कर रहे हैं। बॉयकॉट ट्रेन ने आरंभ हुई समग्र देश जुड़ी शाहरुख खान और सिनेमा पठान जोटी एन शाहरुख खान कौन शाहरुख खान कौन। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब फिल्म पठान को लेकर आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कौन है शाहरुख खान, मैं नहीं जानता। आसाम सीएम के बयान के बाद हु इज शाहरुख खान ट्रेंड करने लग गया। हेमंत ने कहा कि शाहरुख खान अगर उनसे बात करते हैं तो वो देखेंगे कि फिल्म को लेकर राज्य में क्या करना है। और इसी बीच शाहरुख खान ने देर रात आसाम सीएम को फोन करके बात भी की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने मुझसे फोन पर बात की, हमने रात में लगभग 2 बजे के लगभग बात की है। उन्होंने अपनी फिल्म में स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई घटना पर चिंता जताई है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने का राज्य सरकार का कर्तव्य है, हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई भी घटना न हो। आपको बताते चले कि साल 2023 की सबसे बड़ी फिल्म पठान 3 दिनों बाद सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन फिल्म पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी फिल्म पठान पर घमासान छिड़ा हुआ है और विवाद का कारण है फिल्म का गाना बेशरम रंग। दरअसल पठान के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकिनी पहनी है और विरोध करने वालों का कहना है कि भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है और दीपिका इस रंग के कपड़े पहनकर बेशरम रंग बोल गाने वाले डांस पर डांस कर रही है, जो कि काफी आपत्तिजनक है। भगवा जैसा पवित्र रंग का प्रयोग बिकिनी के लिए करना स्वीकार्य नहीं है। और इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठन ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। साथ ही पठान को बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। और इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि आसाम सीएम के शाहरुख खान कौन है के सवाल को लेकर एक्टर ने खुद कॉल करके यह बताने का प्रयास किया है कि वो कौन है। दरअसल आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को गुवाहाटी में संवाददाताओं के सवाल पर कहा शाहरुख खान कौन है और मैं उनके और उनकी फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानता। इस पर यह ट्रेंड करने लग गया। शनिवार को ही मीडियाकर्मियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए उस हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल किया था, जिसमें उन्होंने शहर के नारंगी स्थित एक सिनेमाघर में शुक्रवार को हंगामा किया था। आपको ये याद दिला दें कि इस सिनेमाघर में अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान को दिखाया जाना है। कट्टरपंथी संगठन के स्वयंसेवकों ने फिल्म के पोस्टर फाड़कर उन्हें जला दिया था, जिस पर सीएम ने कहा कि समस्या के संबंध में खान ने मुझसे बातचीत नहीं की है, लेकिन बॉलीवुड के बहुत से लोग मुझसे बात करते हैं, यदि वो बात करते हैं तो मैं इस मामले को देखूंगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद शाहरुख खान ने उनसे बातचीत की, जिसके बाद अपनी बातचीत की जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट के जरिए साझा की। वही अगर फिल्म की बात की जाए तो शाहरुख खान की इस फिल्म में दीपिका पादुकोण है, जॉन अब्राहम भी लीड रोल में है। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म के गाने बेशरम रंग पर काफी विवाद भी हो चुका है और जो कि अब तक जारी है। पठान को बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। तो ये है तमाम अपडेट जो अभी तक पठान फिल्म को लेकर चल रहा है। पठान विवाद के बीच में सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें शाहरुख खान के हवाले से कहा गया है कि अगर पठान फिल्म फ्लॉप होती है तो वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। इस कथित बयान के साथ ही शाहरुख खान की एक तस्वीर भी शेयर की जा रही है। तस्वीर में उनके सामने कुछ मीडिया चैनल्स के माइक भी रखे हुए नजर आ रहे हैं। वही एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने पर एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था, मैं बॉलीवुड का बादशाह हूं, अगर भक्तों में इतना दम है तो मेरी फिल्म पठान को फ्लॉप करके दिखाएं। फिल्म पठान के बायकॉट की मुहिम सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। तमाम सियासत के बीच में अब देखना होगा कि विवादों के बीच में रिलीज होकर फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। हालांकि अगर हम फिल्म की बात की जाए तो फिल्म के चहेतों को उस फिल्म का इंतजार भी है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा के लिए एक नया मुद्दा भी बरकरार है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमारे साथ हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल द कंटाप न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।